नमस्कार जी, मैं मंजू। कई दिनों से ये मेरे गार्डन में ये लैवेंडर, सी लैवेंडर, लिमोनियम, स्टैटिस कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये मेरे गार्डन में कई रंगों के ये खिल रहे हैं। अभी भी न्यू ग्रोथ हो रही है, न्यू बर्ड्स आ रहे हैं, पर दिन ब दिन धूप इतनी तेज होती जा रही है कि इन फूलों पे असर दिखने लगा है। तो ये देखिए, ये वही जो उगाऊ वेबसाइट से मैंने ये सीड खरीदा था इस बारी ऑनलाइन, और वीडियो नंबर 1333 में इसको ग्रो करना और इसकी केयर पे मैंने वीडियो बनाया था। तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस ये है, मैं वो शेयर कर रही हूँ कि चाहे आप इसे 8 इंची के पोट में ग्रो करें, चाहे 10 इंची के पोट में लगाएं, तो एक ही प्लांट रखें, इकट्ठे प्लांट ना लगाएं इसमें, तो वो फिर अच्छा नहीं रहता है। तो इस छोटे से पोट में मैंने 6 इंची के पोट में 2 प्लांट लगाए, पर अभी एक ही ग्रोथ हो रही है और फूल भी आना स्टार्ट हुए हैं, पर गर्मी इतनी तेज़ है कि उन गर्मी का असर फूलों पर दिखने लगा है। और इस पर जो 10 इंची के पोट में 1 प्लांट लगाया, तो इतनी अच्छे से इसकी ग्रोथ, पूरी इसकी ग्रोथ मैं बता रही हूँ, खूब अच्छे से। ये नीचे से ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से ये ग्रोथ हो रही है इसकी, पूरी अच्छे से ये देखिए प्लांट की ग्रोथ। तो एक ही पौधा लगाएं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और बाकी ये वाइट कलर के भी बहुत ही खूब लग रहे हैं, और ये मॉव कलर भी, तो ये वाला देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और ये कलर भी। और एक और अभी जो छोटा सा पौधा रह गया, तो उसका भी ये खिल रहा है, एक और कलर इसमें आ रहा है, ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये नीचे ये अलग प्लांट है, ये तो आना स्टार्ट हुआ था, पर धूप इतनी तेज, हर रोज इतनी तेज़ धूप पड़ रही है, तो मैंने इसे यहाँ पे रखा है, वो 6-7 घंटे की धूप इसमें जो पड़ रही है, तो अब जो पौधे मेरे जलने जैसे लगे हैं। तो न्यू ग्रोथ हो रही है, ये देखिए न्यू ग्रोथ सब हो रही है, सब फ्लावर्स बने हैं ढेरों, पूरे ऐसे ढक जाते हैं, पर जो धूप इतनी तेज इन्हें जो पसंद नहीं है। तो आज मैंने दीवार के पास यहाँ पे कोई 3-1 घंटा सुबह की धूप मिल जाए तो वो इनके लिए काफ़ी है, तो वहाँ पर ये अच्छे से चलेंगे, तो बहुत ही खूबसूरत हैं। हाँ, जितने मैंने सीड जो मंगवाए थे ग्रो किए हैं, कुछ तो मैंने बचा लिए, मुझे पता नहीं था कि कैसे रिजल्ट्स रहेंगे, तो ज़्यादा पौधे तो नहीं उगे, पर इतने भी गमलों में अगर निकल आए तो मेरे ख्याल से कितना 4-5 तरह के रंग तो होंगे इसके अभी जो निकल रहे हैं। तो इतने भी तरह के अगर एक एक पोट में लग जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो बहुत तेज है, मैं इस पर काम करने आई तो मैंने सोचा चलो ये छोटा सा वीडियो ही इस पर बना लूँ। तो ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, तो पेपरी फ्लावर होते हैं ये, कट फ्लावर के तौर पे भी इन्हें इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर, तो ये उसी वीडियो का अपडेट है, तो मैंने बहुत लंबे टाइम से आपको खिलते हुए दिखाए हैं। तो जो मुझे जानकारी मिली थी कि इन्हें अर्ली स्टेज में अगर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो हो जाते हैं, नहीं भी चल पाते, तो मैंने ये एक प्लांट, ये वाला जो बड़ा वाला ये किया था, एक इसके साथ और लगाया था, तो जो मैंने छोटा सा लगाया था वो मेरा मर गया, और जो थोड़ा सा बड़ा लगाया था तो वो मेरा चल पड़ा अच्छे से। तो आप इस तरह से लगाएं कि थोड़ा लगाने लायक हो जाए, बिल्कुल छोटा भी ना ट्रांसप्लांट करें और बहुत बड़ा भी ट्रांसप्लांट ना करें। तो ये देखिए मुझे दिखाने ही नहीं आ रहे ये इसके प्लांट्स, और बहुत ही निहायत खूबसूरत, ये सुन रहे आवाज़, पेपरी फ्लावर बड़े दिन तक चलते हैं ये, लंबे टाइम से। तो अगर मौसम में ठंडक बनी रहे तो ये आपके लंबे टाइम तक अप्रैल में भी खिलते रहेंगे, आगे मई में भी खिल सकते हैं ये, पर बस ये मौसम पे है, डिपेंड करता है जिनके यहाँ जो मौसम सही बना रहेगा वहाँ पे लंबे टाइम तक ये इस तरह से ये लगे हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, तो यही केयर है। और नॉर्मली पानी जैसे दूसरे प्लांट्स में देती हूँ, इनमें भी मैं वैसे ही देती हूँ, तो एक टाइम पानी डालती हूँ सुबह में बस। तो यही सब अब भाई केयर आपने करनी है इसकी। और ये वीडियो नंबर 1333 का ये अपडेट भी हो गया।
अब जो और एक ये डार्क कलर जो पर्पल मैंने नीचे दिखाया ना वो निकल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे तो वो मेरे पूरे जल रहे हैं धूप से, तेज़ धूप से जो जलना स्टार्ट हो गया, और ये वाइट कलर वाला भी अभी न्यू खिलना स्टार्ट हुआ है, तो ये सब ख़राब हो जाएंगे। तो मैं इन्हें फिर थोड़ा जो धूप का टाइम इनका थोड़ा सा कम कर दूँ ताकि ये उसमें अच्छे से चल सकें। नज़र हटाने का मन नहीं कर रहा, पर वीडियो तो ख़त्म करना पड़ेगा। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।